तो हेलो गाइज, मैं श्याम कुमार एक बार और आ चुका हूँ आप लोगों के बीच एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से कुछ अमेजिंग कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ गाइज। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि आप भी इस वीडियो के अंदर दिए गए सारे जानकारी को प्राप्त करें और ताकि आपको भी कोई भी धोखा ना देने सके। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक कि अगर कोई हमें कोई यूट्यूब चैनल बेचे तो क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इन दोनों सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा गाइज। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। गाइज, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि आज के टाइम बहुत सारे नए यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि बहुत से मतलब मोनेटाइज चैनल खरीद लेते हैं, उसके बाद वीडियो अपलोड करने लगते हैं और बाद में बोलते हैं, 2-3 महीना वीडियो अपलोड करने के बाद बोलते हैं कि मेरे चैनल पे तो व्यू ही नहीं आ रहा है, मेरे चैनल पे से मैं पैसे ही नहीं कमा पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर। उससे पहले गाइज, आप लोग ये वीडियो जरूर देख लें। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमें यूट्यूब पर अर्न करने के लिए चैनल का मोनेटाइजेशन होना जरूरी है, जिसके लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना जरूरी होता है, जिसे हम सालों की मेहनत के बाद भी नहीं कर पाते हैं। हमारी टीम आज कई सालों से चैनल मोनेटाइजेशन का कार्य कर रही है। अगर आप भी अपना चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने 100 से भी अधिक चैनल का मोनेटाइजेशन किया है जो आज काफी अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं। हमारी टीम वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, व्यूज, इंस्टाग्राम फॉलोअर, लाइक आदि सारे कार्य किए जाते हैं। जिसे अपना चैनल मोनेटाइजेशन करवाना है या वॉच टाइम सब्सक्राइबर चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम आपसे आपकी आईडी नहीं लेते, बस आपके वीडियो का लिंक या चैनल का नाम देना होता है। यहाँ पर 100% रियल कार्य किए जाते हैं, इसलिए वही संपर्क करें जिसे कार्य करवाना है। आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया और आप लोगों ने इसमें जरूर देखा होगा कि कैसे इन लोगों ने बहुत सारे लैपटॉप और बहुत सारे सिस्टम के थ्रू वीडियो को बहुत बार चलाया, उसके बाद वीडियो के जो भी चैनल है उसको मोनेटाइज किया। तो गाइस, ये बहुत ही रॉन्ग वे है मतलब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। अगर इस प्रकार से किसी यूट्यूबर का चैनल ग्रो हो रहा, मोनेटाइज हो रहा, उसको 1000 सब्सक्राइबर जो है वो मिल रहा, तो ये बहुत ही गलत बात है गाइस। क्योंकि अगर इस प्रकार से आपको अगर सब्सक्राइबर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे जाके जब भी इस पे वीडियो अपलोड करेंगे, इस चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब 4000 घंटे पूरे होने के बाद जब वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे तो आपको कोई भी मतलब आपका वीडियो कोई वाच ही करने नहीं आएगा। मतलब अगर इन लोगों ने जो भी चैनल के थ्रू सब्सक्राइब कराया होगा, मानते हैं वो उन जीमेल का कभी यूज ही नहीं कर रहे हो, मतलब कोई इसका ओरिजिनल ऑपरेटर ही नहीं हो जीमेल का, अगर वो लोग उसे देखेंगे नहीं तो आपका जो भी 1000 सब्सक्राइबर हो तो वैसा ही रहेगा, फिर से आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा गाइस। तो ये बहुत ही गलत तरीका है चैनल को मोनेटाइज करने का। कभी भी ऐसे चैनल मोनेटाइज ना करवाएं, आप ऐसे ही करके कभी भी एक बड़ा यूट्यूबर नहीं बन पाओगे गाइस। तो इसके लिए मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगा कि कभी भी आप ऐसे अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करें। अगर हाँ, कोई भी आदमी आपको जो भी आपके जान पहचान का आपको पता है कि उसका चैनल ग्रो किया हुआ है, अगर उसका खुद से उसका सब्सक्राइबर है और लोगों ने सब्सक्राइब किया उसके चैनल को, तब आप उसके ट्रस्ट करके उस चैनल को बाय कर सकते हो, वो यूजफुल हो सकता है आपके लिए। अगर इस प्रकार के चैनल की तरफ आप जाओगे, मतलब 3 महीने में या 4 महीने में या 5 महीने में ऐसे मोनेटाइज वाले चैनल पर जाओगे, तो ये बहुत ही गलत तरीका है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए गाइज। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।